नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। काम करो तो ऐसा करो कि जनता भी मान ले, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। ऐसा कांड करो कि पूरी दुनिया में चर्चा हो जाए, और ठीक ऐसे ही इस मंत्री ने करके दिखा दिया। आपने गांधी जी के गुड़ खाने वाली कहानी तो सुनी ही होगी, जब वो बच्चे को समझाने से पहले खुद की आदत बदल रहे थे। ठीक उसी प्रकार इस मछली मंत्री यानी मत्स्य मंत्री ने करके दिखा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कच्ची मछली ही चबा गए, सिर्फ इसलिए कि लोगों का भरोसा जीत सके। जनता को समझाने बुझाने के लिए इस मंत्री ने जो कांड किया है वो भी देख लीजिए। ये तांगले वाराटी की लम्बे मालू गिना है, मैं मालू गिना है, बिन्नन मेरा ते यहीं से कर जनता के मम्मी मटे जनता के मंगली मक्केनो केरनो मैं मालू खान बाई बिन्ने पा किसी में करोड़ लोगे खेदिन ने मैं वहाँ पे खाने आऊँ ये वो हाल बिन्नन ना आऊँ ये खाने खाने पूर्व जो मेवा मेवा जाते जानता हूँ मंगली मक्कर ने अभी तो आप खान ने आमुए और आल बेलना ना आमुए खान ने खान ना पूरवा तो आप खान ने आमुए और आल बेलना ना आमुए खान ने खान ना पूरवा तो आप खान ने आमुए और आल बेलना ना आमुए खान ने खान ना पूरवा। तो देखा आपने कैसे मंत्री जी मछली को खा रहे हैं, वो भी कच्ची मछली। अभी वीडियो वायरल हुई तो लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई है कौन ये और इसने कच्ची मछली क्यों खाई, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बता दे कि मंत्री जी लोगों को समझा रहे थे, इसलिए उन्होंने ये प्रयोग करके दिखाया। ये वीडियो है श्रीलंका की, जहां मछली उद्योग खतरे में था, इसलिए मंत्री ने ये स्टंट करके दिखाया। इसका कारण है कोरोना वायरस। कोरोना के चक्कर में कई उद्योग धंधे पिट गए, इन्हीं में से एक था मछली उद्योग। समुद्री किनारे इसका अच्छा खासा बिजनेस है, पर कोरोना के चक्कर में लोगों ने डर के मारे मीट मछली से दूरी बना ली। इस वजह से मछुआरों के जीवन पर संकट आ गया, जीविका कम होने लगी, इसलिए श्रीलंका के पूर्व मत्स्य मंत्री ने ये कदम उठाया। इस मंत्री का नाम है दिलीप वेदराची। ये भरोसा दिलाने के लिए कि मछली से कोरोना वायरस नहीं फैल रहा, उन्होंने खुद ही मछली खाकर दिखा दिया और कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के डर से लोग मछली नहीं खा रहे हैं, मैं आप सबसे इसे खाने की अपील करता हूँ, डरिए मत, मछली खाने से आपको संक्रमण नहीं होगा। बता दें कि श्रीलंका की मुख्य आय का स्रोत मछली उद्योग है। देश विदेश में मछली की कम बिक्री के कारण मछली उद्योग पर गहरा संकट आ गया। इस संकट के दौर को पूर्व मंत्री ने बखूबी समझा और ये कांड करके दिखा दिया। खैर, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपका इस मामले में क्या कहना है, यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।